मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था कैसी है, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सत्तारूढ़ भाजपा के सिरोंज से भाजपा विधायक उमाकांत शर्मा को जान का खतरा सता रहा है। उन्होंने अपनी हत्या की आशंका जताई है। इसके बाद गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है, सरकार सबकी सुरक्षा के लिए काम कर रही है। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था के हाल किसी से छिपे नहीं है। सिरोंज से भाजपा विधायक उमाकांत शर्मा को लगता है उनकी हत्या हो सकती है। उमाकांत शर्मा ने कहा कि राजनीतिक विरोधी, भ्रष्ट अधिकारी और बिल्डर से उनकी जान को खतरा है। उन्होंने स्थानीय एवं जिला पुलिस पर भी इल्जाम लगाया कि वो उन्हें सुरक्षा उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं। लिखित आवेदन देने के बावजूद भी भाजपा विधायक को पुलिस सुरक्षा नहीं दी गई है। मध्य प्रदेश शासन को लिख के दे चुका हूँ, माननीय SP महोदय को, जिलाधीश महोदय को, प्रमुख सचिव महोदय को और अन्य बड़े स्तर पर। कुछ पुराने कर्मचारी अधिकारी जिन्हें मैंने कार्रवाइयाँ कराई हैं नियमानुसार, कुछ अवैध बिल्डर, कुछ राजनीतिक विद्वेष रखने लोग वाले लोग मुझे बदनाम करना चाहते हैं, झूठा षड्यंत्र कर रहे हैं, षड्यंत्र कर चुके हैं और मुझे जान से भी खत्म करना चाहते हैं। भाजपा विधायक उमाकांत शर्मा हाल ही में एक डांस करते हुए वीडियो के कारण चर्चाओं में आए थे। शर्मा के डर भरे बयान के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इन्हें सुरक्षा दिए जाने का भरोसा दिलवाया है। किसी की भी जान को खतरा नहीं होना चाहिए प्रदेश में, हमारी जिम्मेदारी है और वो सम्मानित विधायक है। मैंने SP विदिशा को बोला भी है, लोकल गार्ड भी उपलब्ध कराए, राज शासन के गार्ड भी उनके पास है, वो हमारे भाई है, निश्चित रहे। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रति माह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।